Hello friends, do subscribe and click on ring icon to get fast notification. वेलकम फ्रेंड्स, सेल्फ अध्ययन पर सेल ऑर्डर के क्वेश्चंस की आज हम बात करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी सेल ऑर्डर प्रोसेस के एग्जांपल के बारे में, और अब हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं। सेल ऑर्डर क्वेश्चंस में यहां पर फर्म के पास पहले से ही कुछ आइटम्स अवेलेबल हैं। आप देख पाएंगे स्पून, प्लेट, ग्लास और टिफ़िन, जिनकी ओपनिंग क्वान्टिटी और कॉस्ट प्राइस दोनों अवेलेबल हैं। यानी कि हम ऑल्टर में स्टॉक आइटम के ऑल्टर में ये ऑलरेडी स्टॉक पास कर देंगे इनकी क्वांटिटी और रेट के साथ, और उसके बाद हम यहाँ पर सेल ऑर्डर के लिए जो प्रोसेस कर रहे हैं दुग्गल बर्तन स्टोर, और नीचे की तरफ एक और है अग्रवाल बर्तन स्टोर। तो इनमें से हम जो दुग्गल बर्तन स्टोर के लिए सेल ऑर्डर प्रोसेस बना रहे हैं स्पून और प्लेट के लिए, जो कि डिलीवर होना है 2 जून तक, ये ऑर्डर हम बना रहे हैं 1 मई को। और दूसरा जो ऑर्डर है हमारा गलवार बर्तन स्टोर का, उसका हम ऑर्डर 1 मई को बना रहे हैं, जो हमें डिलीवर करना है। और यहाँ पर कोई डेट मेंशन नहीं है, तो हम इसे कभी भी डिलीवर कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर आप चाहें तो 1 जून ही डाल सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर हम सबसे पहले एक टैली में ऑलरेडी कुछ आइटम्स बना लेते हैं, क्योंकि ये प्रोसेस हम कई बार देख चुके हैं और इसमें टाइम ज़्यादा ना लगे, इसलिए मैं पहले से ही टैली में कुछ आइटम्स जो यहाँ पर अवेलेबल हैं वो बना देता हूँ, और पार्टी के रिलेटेड जो भी लेजर्स हैं वो भी ऑलरेडी बना लेता हूँ। फिर डायरेक्टली हम देखेंगे सेल ऑर्डर को एंट्री कैसे करेंगे। तो यहाँ पर मैं लेजर्स बना चुका हूँ पार्टी से रिलेटेड और सेल का। उसके बाद इन्वेंट्री में आइटम्स भी मैं डाल चुका हूँ, जिनमें हम देख पाएंगे कि अपने क्वांटिटी और रेट ऑलरेडी जो एज पर पीडीएफ थे वो हमने इंसर्ट करा दिए हैं। अब हम बना देंगे अकाउंटिंग वाउचर के अंदर ऑल्ट F5 में पहला सेल ऑर्डर, जो कि दुग्गल बर्तन स्टोर के अगेंस्ट हम बना रहे हैं। अब जैसा कि ये 1 मई की ट्रांजैक्शन है, तो F2 से हम डेट बदल देंगे 1 मई, ऑर्डर नंबर हम यहां से डाल देंगे DUG01, और जो सेल ऑर्डर हम कर रहे हैं सबसे पहले ले लेते हैं स्पून, जिसके ऑर्डर डिलीवर होने हैं 2 जून तक, 150 पीसेस हमें यहाँ पर डिलीवर करने हैं 12 रुपये के हिसाब से। उसके बाद प्लेट यहाँ पर हमें ले लेना है, जिसका ऑर्डर डिलीवर होना है 2 जून तक, 250 पीसेस 60 रुपये के हिसाब से। तो ये सारी एंट्री हम डाल चुके हैं दुग्गल बर्तन स्टोर के अगेंस्ट, जो हमें सेल ऑर्डर बनाना है। उसके बाद हम एक दूसरा अपना ऑर्डर बना रहे हैं ऑल्ट F5 करते हुए अग्रवाल बर्तन स्टोर के अगेंस्ट, और ऑर्डर नंबर हम यहाँ पर डाल देते हैं। ऑर्डर नंबर के बाद गिलास की एंट्री हमें करनी है, गिलास हमें ऑर्डर डिलीवर करना है, तारीख हम यहाँ पर 1 जून मान लेते हैं, 260 पीसीज हमें डिलीवर करने हैं और रेट 48 रुपये के हिसाब से। टिफ़िन हमें फिर डिलीवर करना है 180 पीसीज 60 रुपये के हिसाब से। तो एज़ पर पीडीएफ हमने दोनों सेल ऑर्डर बना दिए हैं। अब आप यहां देखेंगे कि डिलीवरी नोट हमें जो बनाना है, फुल्ली ऑर्डर डिलीवर टू दुग्गल बर्तन स्टोर एंड 5 पीसेस गिलास एंड 10 पीसेस टिफिन्स आउटस्टैंडिंग ऑर्डर अगेंस्ट अग्रवाल बर्तन स्टोर। तो यहां पर जो दुग्गल बर्तन स्टोर को हमें डिलीवरी करनी है वो सारे के सारे प्रोडक्ट की कर दी गई है। सबसे पहले ये बना दे, ऑल्ट F8 प्रेस करते हुए यहां से दुग्गल बर्तन स्टोर ले लेना है, ऑर्डर नंबर हमें दे देना है, एंटर करते रहेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर ट्रैकिंग नंबर लेते हुए पूरे क्वांटिटीज़ डिलीवर करनी है, क्योंकि सारा की सारा माल डिलीवर हो चुका है। उसके बाद जैसा कि पीडीएफ में 5 गिलास पेंडिंग है और 10 पीस टिफ़िन के पेंडिंग है, यानी कि हम जो डिलीवर करना था उसमें से सेल ऑर्डर के अगेंस्ट 5-5 पीस गिलास के और 10 पीस टिफ़िन के कम कर देंगे। ऑल्ट F8 प्रेस करेंगे अग्रवाल बर्तन स्टोर। यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं गिलास के 5 पीस कम करने हैं, तो 260 की जगह 255 डिलीवर हुए हैं, और इसी तरीके से टिफ़िन के 10 पीस कम करने हैं, यानी कि 170 पीस डिलीवर हुए हैं। इन एंट्रीज को हमने पास कर दिया है। अब हमें यहाँ पर सेल इनवॉइस बनाना है F8 के अंदर। 2 जून को सेल इनवॉइस हम प्रिपेयर कर रहे हैं। स्पून और प्लेट की 100 पीसेस की और प्लेट की 200 पीसेस की सेल इनवॉइस हमें पास करनी है दुग्गल बर्तन स्टोर के अगेंस्ट। F8 प्रेस कर देंगे, यहाँ से पार्टी का नाम ले लेंगे दुग्गल बर्तन स्टोर, जो कि डिलीवरी नोट 1 लेते हुए ऑर्डर नंबर DUG01 के अगेंस्ट हम जो बिल पास कर रहे हैं। 100 पीसेस का हमें पास करना है स्पून का, और 200 पीसेस का हमें पास करना है प्लेट का।
एज़ पर पीडीएफ हमने सारी एंट्री चढ़ा दी हैं। उसके बाद दूसरा बिल जो अग्रवाल बर्तन स्टोर का हमें पास करना है, गिलास का 250 पीसेस का और टिफ़िन का 170 पीस का। तो यहाँ पर ले लेते हैं अग्रवाल बर्तन स्टोर, डिलीवरी नोट डालते हुए यहाँ से जो ग्लासेस हैं 250 पीसेस का और टिफ़िन का 170 का पूरा। तो हमने अभी 5 गिलास के यहाँ पर पैसे का जो बिल है वो आउटस्टैंडिंग छोड़ा है। उसके बाद जो रिजेक्शन है वो गिलास का जो हमने आउटस्टैंडिंग छोड़ा था 5 पीस का, वो हम रिटर्न कर रहे हैं अग्रवाल बर्तन स्टोर को। तो ये एंट्री हम पास कर देते हैं कंट्रोल F6 के अंदर। कंट्रोल F6 यहाँ पर हमें ले लेना है अग्रवाल बर्तन स्टोर, जहाँ से हम गिलास के 5 पीसेस पेंडिंग थे वो हम यहाँ पर रिजेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद प्री क्लोज करने हैं ऑल आइटम्स जो कि टिफ़िन और गिलास के पेंडिंग है, और वो हमें यहाँ पर प्री क्लोज करने हैं। तो प्री क्लोज करने के लिए हमें जाना होगा डिस्प्ले के अंदर, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, सेल ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, ऑल ऑर्डर। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक ही ऑर्डर दिख रहा है अग्रवाल का। अगर आप सारे पार्टीज़ के ऑर्डर देखना चाहते हैं तो आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था F7 आपको प्रेस करना है, और आपको कंट्रोल सी प्रेस करते हुए इन सभी आइटम्स को प्री क्लोज करना है, यानी कि इनको अब आपको डिलीवर नहीं करना। उसके बाद आप अपना आउटस्टैंडिंग चेक कर सकते हैं डिस्प्ले के अंदर, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री कि सेल बिन आपको कितना कितना पेंडिंग करना है। यहाँ पर 50-50 पीसेस के अभी आपको पेंडिंग है, जिनका बिल आपका अभी जनरेट होना है। अब आप चाहें तो अपना अकाउंट चेक कर सकते हैं आउटस्टैंडिंग कितना रिसीव होना है। अग्रवाल बर्तन से आना है 22,200 और दुग्गल बर्तन स्टोर से आना है 13,200। तो ये प्रोसेस था सेल ऑर्डर का, और परचेज ऑर्डर भी हम सीख चुके हैं। GST के साथ हम कैसे ट्रांजैक्शन करेंगे वो इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि इससे रिलेटेड मैंने कोई क्वेश्चंस नहीं बनाया है, लेकिन आप लोगों ने ये पूछा है कि GST के साथ अगर हम इसको करेंगे तो वो कैसे करेंगे। तो आने वाली नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर आपके लिए वो वीडियो लेके आऊँगा जिसमें GST के साथ आप परचेज ऑर्डर और सेल ऑर्डर प्रोसेस को कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।